गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर जी जे फ्रॉम रांची झारखंड। मैं उजैनी और ये मेरा अनुतरपुर। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, जिसे जेल पार्क भी कहते हैं, जहाँ पहले जेल हुआ करता था पुराना जेल, और अभी उसे पार्क में बदल दिया गया है गाइस। और आज वहाँ आदिवासी झारखंड आदिवासी महोत्सव मनाया जा रहा है, तो मैं वहीं जा रही हूँ गाइस। आप लोग ब्लॉग में बने रहे गाइस, मैं वहाँ जाकर वहाँ के सारे व्यूज और डिटेल आप लोगों को बताऊंगी गाइस। 1 hour later पहुंच गई हूँ और अभी अपनी स्कूटी को पार्क करती हूँ। तो गैस में पहुंच गई और मैंने अपनी स्कूटी को पार्क कर दिया है। यहाँ फिर कॉस्ट है, पार्किंग चार्ज नहीं लगती, तो मैं अभी अंदर जाती हूँ गैस और यहाँ के सारे व्यूज आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गैस ये बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, जिसे जेल पार्क भी कहते हैं, ये पहले जेल हुआ करती थी पुराने ज़माने में, और अभी इसे पार्क में बदल दिया गया है गैस। और आप देख सकते हैं आज इसे बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। तो मैं अंदर जाती हूँ और यहाँ के सारे व्यूज़ दिखाती हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहे गैस। तो गाइस आप देख सकते हैं आज सारे गेट खुले हुए हैं, आप कहीं से भी एंटर कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा के स्टैचू को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है, और मैं यहाँ के सारे व्यूज आप लोगों को दिखाती हूँ गाइस। तो गाइस ये बिरसा मुंडा संग्रहालय और मैं अभी जा रही हूँ इसके अंदर। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ लोगों की। तो गाइस आप देख सकते हैं उस समय की संस्कृति को दर्शाया गया है स्टैचू के माध्यम से, और ये है जेल परिसर, उस समय ऐसे करता था और थोड़ा मॉडिफाइड किया गया अभी इस समय। तो गाइस उस समय के शहीदों के स्टैचू बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ भगवान बिरसा मुंडा के स्टैचू बनाई गई है गाइस, और यहाँ पर उनसे रिलेटेड सारे डिटेल यहाँ पर है, तो मैं आप लोगों को बारी बारी से दिखाती हूँ गाइस।
अब मैं नीचे जा रही हूँ गैस, और आप देख सकते हैं ऊपर से जेल परिसर का खूबसूरत सा नज़ारा। तो गैस यही वो जेल है जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा को लास्ट के दिनों में रखा गया था, जहाँ उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। तो गैस उस समय की चार दीवारें ऐसे करती थी, बहुत ऊंची ऊंची, और जेल इस तरह से हुआ करते थे। तो गैस आप देख सकते हैं यहाँ फोटो सेशन चल रहा है। तो गैस मैंने पूरा पैलेस घूम लिया और आप लोगों को दिखा दिया। तो आप यहाँ कल जरूर आए गाइस, अगर आज आप लोग नहीं आ पाए तो कल जरूर जाए, कल तक ये महोत्सव यहाँ मनाया जाएगा। और मैं अभी जा रही हूँ स्टॉल, जितने भी स्टॉल हैं मैं कोशिश करूँगी कि सारी स्टॉल को आप लोगों को दिखाऊँ। उसके बाद मैं प्रोग्राम की ओर जाऊँगी और जो प्रोग्राम है वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। पीछे बहुत सारे झूले हैं तो मैं अभी वहाँ जाती हूँ, तो वहाँ के सारे क्यूज आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ सूती वस्त्र बनाने का काम हो रहा है। और यहाँ पर गाइस रेशम के कीड़ों से आप देख सकते हैं धागे निकालने का काम हो रहा है। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने। सबसे पहले तमाम इंडिया का समूह अंतर्राष्ट्रीय आदि दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का बहुत बधाई करता हूँ। Thank you.
तो गैस मैं वहाँ जा रही हूँ, म्यूजिकल फाउंटेन है, आपको वहाँ का व्यू दिखाती हूँ अभी। तो गैस ये म्यूजिकल फाउंटेन जो आज खोला गया है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। प्राइसिस साइड फूड स्टॉल, यहाँ सारे स्टॉल में क्या देसी डिशेज का अरेंजमेंट किया गया है, तो आप यहाँ जरूर आए और उनका लुत्फ उठाएं। तो गैस अभी रात के 8 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ अब घर को। तो गैस आप लोग यहाँ जरूर आए आज और कल, मतलब 9 और 10 अगस्त को ये मॉल तो बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में, जिसे जेर पार्क भी कहते हैं, मनाया जा रहा है। तो आप यहाँ जरूर आए 9 और 10 को है। तो गैस अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करने जा रही हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा रहेगा कॉमेंट करके जरूर बताना गैस, और ज़्यादा पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना गैस, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।